सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर गोरखपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रथ यात्रा एवं पार्टी का लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसको देखते हुए 2022 में प्रदेश में समाजवादी प्रगतिशील पार्टी की सरकार बनेगी। गठबंधन के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, जिसमें कार्यकर्ताओं के सम्मान को देखते हुए पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन या विलय भी हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा, देखिए अपार भीड़ गोरखपुर में, और जबकि इतना आज जो त्यौहार है छठ का पर्व, ये पूर्वांचल में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। 36 घंटे का जो व्रत होता है उसके बाद इतनी संख्या में जो हमारा स्वागत किया है, और सवेरे 10 बजे तक से बैठे हुए हैं 10 बजे से, और गोरखपुर में जब इतना बड़ा स्वागत हमारा हो, तो देखिए जो हम सामाजिक परिवर्तन रथ लेके निकले हैं, तो निश्चित संकेत करते हैं कि 2022 में सत्ता का परिवर्तन निश्चित होगा। ये आपको किसने बता दिया? स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, समाजवादी के भी सुन रहे हैं, हमारा भी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं है? तो क्या जल्दी गठबंधन की सूचना मिलने वाली है क्या लोगों को? अब हमारा प्रयास यही है, हर तरह से अब इन्हें समझा दो। आखिर गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कुछ डेट फाइनल करेंगे आप लोग? अब आप तैयार हैं? मुझे तो संकेत अच्छे लग रहे हैं। आप तैयार हैं? अगर अखिलेश जी ऑफर करते हैं तो बुलाते हैं। देखिए अभी मैंने बोले ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए शिवपाल जी हम हर जी क्या कर सकते हैं, विलय भी करेंगे या फिर गठबंधन करेंगे? गठबंधन भी, जो भी अखिलेश को अच्छा लगे। सर अभी आपने बोला है मंच से कि विलय भी करने को तैयार है। हाँ मैंने बोला है, अगर अखिलेश जी कहेंगे विलय करने के लिए तो आप तैयार हैं? हाँ विलय भी कर लेंगे, जो भी है। शिवपाल जी में भी तो है मामला, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव अब हम देखिए सीटें मांगेंगे। हमने यही तो कहा, जो हमारे पीछे लोग हैं सम्मान तरीके से टिकट मिल जाना चाहिए, और मिल जाना चाहिए और मिलेगा, सही में अजीत एकदम मिलेगा हैं, और नहीं तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, चिंता मत करो। यूपी कितनी सीटों की बात कर रहे हैं? कितनी सीटों की बात कर रहे हैं आप? ये आपको नहीं बताएंगे। अच्छा अखिलेश राहुल गांधी और फिर अखिलेश, अब नया युवराज आप लेकर आए हैं गोरखपुर की धरती पर? कौन सा नया युवराज बताओ? हैं आप बेटा पहले भी आ चुके हैं, आपको पता है PCF के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, और ICA डायरेक्टर 2 बार, इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल 2 बार हैं। इतनी कम उम्र में तो आज तक आज़ादी के बाद कोई हुआ नहीं है, ICA का जो इंटरनेशनल संस्था है कॉपरेटिव, यदि सब BJP को हरा करके सरकार बनाएगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। Thank you.